वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है सहारा निवेशकों के लिए, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। लोगों का पैसा कब मिलेगा, क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक न्यूज दिखाने जा रहा हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का पैसा कब मिलेगा, क्या है भाई, इसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो भाई आप लोग बनी रहिएगा। तो हम क्या करें, हमें भुगतान पहले चाहिए, मतदान से पहले भुगतान चाहिए। ऐसा है कि जो मोदी जी ये तरह का कानून ला रहे हैं, ये ऐसे जनता के लिए ही है जिनका पैसा लोग हड़प रहे हैं, कर रहे हैं। और इस देश में मैंने कहा मन से भी कि इस देश में अब ऐसे भ्रष्ट लोगों का, बेईमान लोगों को लोग चलने वाले नहीं हैं, ईमानदार और सच्चे लोग ही चल पाएंगे। और जो भी इस तरह के लोग हैं जो जनता को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो कितना बड़ा VIP हो, कितना ही पहुँचे हुआ व्यक्ति हो, वो सब के सब उनको ठीक किया जाएगा। उनके बाद जो आम जनता है जिनका कहीं पर भी अन्याय हो रहा है, उनके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव आने वाला, तो उस वजह से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव तो अब जाके हुआ है, तो पहले से चल रही है चीजें। मोदी जी के सारे काम देख लो, मोदी जी के सारे काम ऐसे देख लो कि आप जनधन योजना देख लो, शौचालय योजना देख लो, आप मतलब इस तरह के तमाम कार्य देखो जहाँ पर कि मोदी जी शुरू से ऐसे लोगों की काम करते हैं, सोचते आए हैं। आप देखो ना, ये आज कोई नई बात थोड़ी है कि आप कहना चुनाव तो एक प्रक्रिया है, वो आएगी 5 साल बाद, लेकिन उससे पहले आप मोदी जी जब से आए हैं 14 से लेकर अब तक, आप देख लो। अभी आपको एक एग्जांपल दूं, जितने भी हमारे संत महात्मा पुरुष हैं, है ना, उनके सारे मंदिरों का, उनके मठों का, उनके चीज़ों का इतना बड़ा उन्होंने निर्माण कार्य किया, पुनरुद्धार किया है। अभी जो एक राम माला भी, अभी राम मंदिर भी उन्हीं के कार्यकाल में बना, बनारस में चले जाओ, मतलब तमाम तरह के कार्य जो जो आम जनता के नायक हैं, उनसे जुड़े हुए चीज़ों का भी उद्धार करने वाले मोदी जी हैं। फिर उनकी समस्याओं को मोदी जी कैसे हल नहीं करेंगे। और आने वाला समय, मैंने फिर कहा कि आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि आम जनता की ही सुनवाई होने वाली है इस देश में। जो अपने आप को सोच के बैठे थे ना कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, बड़े एलीट लोग जो खताखतित, जो अपने आप को ये कहते हैं अपने आप को बड़े बड़े अंदर अपने अपने महलों में कोटे बंद करके रखते थे, कभी निकलते थे, इन जैसे भाइयों का सहयोग लेके पूंजीपति बन जाते थे, अब चलने वाला नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने एक बार कहा था 8 बजे, 8 बजे के बाद नोट बंदी है ना, 8 बजे के बाद लॉकडाउन। तो इसी तरह से आज रात को 8 बजे कह दे कि आज के बाद व्हाट्सएप बिल्कुल तुरंत लागू होना चाहिए और 27 जुलाई होना चाहिए। मैं मेरठ से ठगी पीड़ित जमा करता परिवार जिला अध्यक्ष गोपाल सैनी, मैं पिछले 3 महीने से लगातार कमिश्नरी जा रहा हूँ, कमिश्नर जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी SSP को, SSP वापस जिलाधिकारी को, उन्होंने गोल गोल चक्कर घुमा रखा हमारा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी पोर्टल लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था, पोर्टल पर कोई कार्रवाई नहीं है। ऑनलाइन आपका दिखा रहे हैं सब कुछ, कागज ओरिजिनल फोटो डाले हुए, ऐप डाला हुआ, सब कुछ रिजेक्ट किया हुआ, आपका नाम सही नहीं है, आपका जो है मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर सही नहीं, अरे मोबाइल नंबर सही नहीं। अभी ASP ने रिपोर्ट बना करके भेजी है कि इस कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, जबकि उसके अंदर हमने PACL और जो दो और कंपनियां हैं उनका एड्रेस लिख करके डाला था, और उन्होंने लिखा कि यहाँ पर कोई वो नहीं है, ऑफिस नहीं है, और ये आपकी जो मांग है ये इसका कोई कार्य, इसका निर्माण नहीं होने का। आए दिन आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं, और आज भी आप लोगों का जंतर मंतर प्रोटेस्ट है, उसके बाद भी आप यहाँ पे मौजूद है, कोई कार्य नहीं है। मैं तो अभी कर्नाटक से आया हूँ मैडम, अभी ये तो हम समृद्ध जीवन बोल के कंपनी में हम पैसा डाल चुके हैं, अभी बहुत सारी कंपनियाँ अभी निकली है। अभी पहले बार में शुरुआत में मोदी जी ने अभी वो लाइसेंस दिया, देने के बाद में और बंद किया, उसका कारण कौन है, मोदी जी है। पहले हम भुगतान करेंगे, बाद में मतदान करेंगे। पहले भुगतान, बट सेट का मतलब क्या है, अभी बाइनिंग ऑफ रेगुलेटर डिपॉजिटर स्कीम बनाया है अभी 2019। अभी ये कानून बनाने के बाद में 2 साल तक हम अभी हड़ताल कर चुके थे इस जंतर मंतर में, अब रामलीला मैदान में जंतर मंतर आए दिन तो होते ही रहते हैं। हाँ, होते रहते। अभी हमारा पैसा अभी 2 साल तक हुआ, अभी ये बरसात लागू होना ज़रूरी है। मैम आप कब से यहाँ पे, मतलब जो मैं अभी 2023 से, हाँ हर मीटिंग में जाते हैं, बस यही दिलासा दिया जाता है कि अभी पेमेंट होगा, अभी पेमेंट होगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। कानून बनाया है कि वो 2019 से जो बना है बड़ा कानून,
वो जल्द से जल्द। दोस्तों आपने सुना बहुत बढ़िया से, जिस तरह से लोगों का धरना प्रदर्शन और लोग अपने हक के लिए गुहार लगा रहे हैं और जंतर मंतर में जिस तरह से लोगों का भीड़ उमड़ा हुआ है, लोगों का ये भी कहना है कि निवेशकों का जितना भी पैसा है वो सरकार वापस करे उसी मतदान के पहले। पूरा मिलेगा करके, हम एजेंट लोग काम करने वाले लोग भी काम थे, कोई काम धंधा नहीं था हमारे पास, चार पैसे के लिए उनके पास गए। सुनने को मिलता है कि आए दिन काफी लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं आए दिन, तो हमें फेस करना पड़ता है, तो जल्द से जल्द उनका भुगतान मिले, हम उसी में धन्यवाद करेंगे। हम लोग पे आके दरवाजे पे लोग चिल्लाते हैं हमारा पैसा आपसे चाहिए, हमें तो आप दो, आपने लिया है हमसे, तो हम कहाँ से दें मैम? मोदी जी दिलवाएंगे तभी तो हम देंगे कहीं से, तो उनका पैसा मिलेगा तभी हमारे घर का झगड़ा खत्म होगा। आए दिन वो जल्द से जल्द फॉलो करे, 5 साल हो गया कानून बने, अभी तक कुछ हुआ नहीं इस पर। वही बात है ना, डेली आए दिन कुछ ना कुछ तो जनता मंत्र प्रदर्शन रहता ही रहता है। धंधा तो चाहते हैं, मोदी जी तो करना चाहते हैं, मगर जो मोदी जी के साथ भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो वो नहीं चाहते, क्योंकि उनके भी पेट भर जाते हैं। तो जिस तरह से दिल्ली जंतर मंदिर के ऑफिस पे लगा भीड़, लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा वापस करे। तो आपने सुना होगा जिस तरह से लोगों का कहना है, लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या है भाई आगे, लोगों का पैसा कब मिलेगी, क्या अपडेट आएगी? तो जो भी अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूंगा। तो तब तक के लिए बस इतना ही, जय हिंद।